हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th इंग्लिश का जो हमारा चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। और ना कि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स दिखाऊंगी, साथ ही साथ हम उनको एक्सप्लेन भी करेंगे, समझ करके चलेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। चैनल पर न्यू है तो आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट फ्यूचर में आने वाली इसी तरीके की इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल वीडियोज़ आप तक ईजिली पहुँचती रहें। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। अगर मैं बात करूँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की डिटेल्स समरी की नोट्स के साथ, तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इसकी समरी करवा दी है, प्रॉपर आप लोग के नोट्स बनवाए हैं, तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, प्रॉपर अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं द पोर्ट्रेट ऑफ आर लेडी, इसके जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे इस चैप्टर के शॉर्ट प्लस लॉन्ग क्वेश्चंस, तो दोनों टाइप के क्वेश्चंस मैं कराऊंगी एंड इसके बाहर आपका कुछ भी नहीं आने वाला। अगर ये मेरे बताए हुए क्वेश्चन आंसर्स आप प्रिपेयर कर लेते हैं फॉर द चैप्टर नंबर 1, सो आपको इसके अलावा इस चैप्टर के कुछ और क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देख लेते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है। सो नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स है बच्चों ये पहले हमारे। तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने लिखा हुआ है, जो कि है व्हाट कुड हैव बीन द कॉज ऑफ ग्रैंड मदर्स फॉलिंग इल। मतलब जो ग्रैंड मदर थी उनके बीमार होने का क्या रीज़न हो सकता था, वो बीमार क्यों पड़ गई, क्या रीज़न हो सकता था। इफ़ यू हैव ऑलरेडी यू नो रेड दिस चैप्टर, तो आपको पता होगा कि दादी माँ जो है वो बीमार क्यों पड़ी थी इस लेसन के अंदर। तो देखो, व्हेन द ऑथर केम बैक फ्रॉम एब्रोड आफ्टर 5 ईयर्स, ग्रैंड मदर कलेक्टेड द वुमेन फ्रॉम द नेबरहुड। जब ऑथर 5 साल बाद अब्रोड से आए पढ़ाई करके, ठीक है, जब वो वापस अपने घर 5 ईयर्स बाद आए, तो दादी माँ बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी उनको लेकर के। तो दादी माँ ने क्या किया कि नेबरहुड की वुमेन को कलेक्ट किया, मतलब पास पड़ोस की औरतों को बुलाया और उनके साथ एक तरीके से वो सेलिब्रेट कर रही थी कि हाँ मेरा जो ग्रैंडसन है वो वापस आ गया है। तो उन्होंने पास पड़ोस की औरतों को इकट्ठा कर लिया। शी कैप्ट सिंगिंग एंड थम्पिंग अ ड्रम फॉर सेवरल आवर्स। और दादी ने क्या किया कि कई घंटों तक लगातार, मतलब पास पड़ोस की औरतों को बुलाकर इकट्ठा किया और कई घंटे तक उन्होंने गाने गाए और ड्रम बजाया। क्यों? क्योंकि उनका ग्रैंडसन वापस आया था, ऑथर वापस आए थे विदेश से, तो वो बहुत ज़्यादा खुश थी और एक्साइटेड थी, दैट्स वाई। अब देखो, जब उन्होंने कई घंटों तक मतलब गाना भी गाया और जो है ड्रम भी बजाया, सेलिब्रेट किया, सो दिस ओवर स्ट्रेंड का मतलब कि वो बहुत ज़्यादा तनाव में आ गई, क्योंकि ओल्ड एज में होता है कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी इंसान तनाव में आ जाता है, स्पेशली इन दी ओल्ड स्टेज। तो इसकी वजह से वो ओवर स्ट्रेंड हो गई उनकी बॉडी एंड शी फेल इल, और इसी वजह से वो बीमार भी पड़ गई। शी कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द क्लचेस ऑफ डेथ। और वो खुद को, क्लचेस का मतलब होता है चंगुल, तो वो खुद को डेथ के यानी मौत के चंगुल से नहीं बचा पाए। सो दैट्स हाउ, ये रीज़न था उनके बीमार पड़ने का एंड उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। हाउ डिड द स्पैरो शो ऑन द लास्ट डे दैट दे हैड नॉट कम फॉर द ब्रेड। किस तरीके से जो स्पैरोस थी, स्पैरोस का मतलब जो स्पैरोस आती थी ना, दादी माँ जिनको चिड़िया मतलब चिड़ियों को दाना वाना डालती थी, वो जो स्पैरोस आई थी उन्होंने कैसे शो किया जब वो लास्ट डे आई कि भाई आज वो ब्रेड के लिए नहीं आई थी। मतलब नॉर्मली क्या होता था, ग्रैंड मदर जो है स्पैरोस को फीड करती थी, उनको वो थोड़ा सा दाना वाना है ना ऐसे टुकड़े डालती थी रोटी वोटी के। लेकिन जब लास्ट डे, जिस दिन दादी की डेथ हुई, उस दिन जो स्पैरोस आई थी, तो उन्होंने ये कैसे शो किया कि वो आज ब्रेड यानी रोटी खाने के लिए वहाँ पर नहीं आई थी। तो स्पैरोस ने ये चीज़ कैसे शो की है? हम देख लेते हैं। दे डिडंट टच द ब्रेड क्रम्स थ्रोन टू देम बाय द ऑथर्स मदर। तो दे कौन है यहाँ पर? दे है यहाँ पर स्पैरोस। तो जो स्पैरोस थी उन्होंने जो रोटी के क्रम्स यानी टुकड़े थे ना छोटे छोटे, जो ऑथर की मदर ने उनके लिए डाले थे, क्योंकि ऑथर की मदर को पता था कि ग्रैंड मदर हमेशा से स्पैरोस को फीड किया करती थी। तो जिस दिन ग्रैंड मदर की डेथ हुई, उस दिन जो ऑथर की मदर थी उन्होंने भी सेम वही किया। जैसे ही स्पैरोस आई तो उनके सामने उन्होंने क्रम्स यानी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, उनको लगा कि ये खाने के लिए आई हैं। दे फ्ली अवे इन साइलेंस व्हेन द डेड बॉडी
ऑफ ग्रैंड मदर्स वॉज कैरीड ऑफ। लेकिन जो स्पैरोज थी उन्होंने उन क्रम्स को नहीं खाया, बल्कि उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल शांति के साथ फ्ली अवे, मतलब वहाँ से उड़कर वो चली गई जब ग्रैंड मदर की डेड बॉडी को ले जाया गया, मतलब जब उनको दाह संस्कार के लिए ले जाया गया, तो उसके बाद जो स्पैरोज थी वो भी साइलेंटली वहाँ से चली गई। इट क्लियरली शोज दैट दे हैड नॉट कम फॉर द ब्रेड बट टू मॉर्न। और इस चीज़ से क्लियरली ये शो होता है कि जो स्पैरोज आई थी उस दिन वहाँ पर वो खाने के लिए नहीं आई थी, बल्कि वो तो मॉर्न यानी विलाप करने के लिए यानी शोक मनाने के लिए आई थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखा है कि जो स्पैरोज थी उन्होंने भी दादी की मौत पर जो है वो बहुत ज़्यादा विलाप किया, मतलब उनको भी बहुत दुख हुआ। नाउ लेट्स सी दी थर्ड क्वेश्चन जो कि आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, ये है व्हाई डज द ऑथर से दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज Never pretty but always beautiful, है ना? तो जो ऑथर थे उन्होंने ऐसा क्यों बोला इस लेसन में कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो प्रिटी तो नहीं थी, है ना, बहुत ज़्यादा प्रिटी तो नहीं थी, बट वो फिर भी ब्यूटीफुल थी, सुंदर थी, फिर भी वो प्रिटी नहीं थी, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं थी कि देखकर हद से ज़्यादा चार्मिंग हो या एकदम उनको देखकर एकदम खिंचाव सा महसूस हो, ऐसा नहीं थी वो, बट वो ब्यूटीफुल थी। क्यों थी, ऐसा क्यों कहा है ऑथर ने? तो इसका आंसर है खुशवंत सिंह सेज दैट हिज ग्रैंड मदर वॉज रिंकल्ड फैट शॉर्ट एंड स्लाइटली बेंट वुमेन। तो जो खुशवंत सिंह हैं वो बताते हैं कि उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, वो जो है रिंकल्स यानी उनके फेस पर बहुत सारे रिंकल्स थे, इसके अलावा वो फैट थी, मोटी थी, शॉर्ट हाइट थी उनकी और स्लाइटली बेंट यानी हमेशा झुक करके वो चलती थी, है ना, ऐसी थी वो। इन दीज कंडीशंस इट वॉज हार्ड टू बिलीव दैट शी वॉज एवर प्रिटी। और ये सारी कंडीशंस के बाद ऑथर को ऐसा लगता था कि मुश्किल ही है कि कभी मेरी दादी प्रिटी रही हो, है ना, उनको बिलीव ही नहीं होता था कि हाँ दादी भी कभी यंग एज में कभी प्रिटी रही होंगी। बट हर काइंड नेचर सेरेसिटी एंड पीस ऑन हर फेस हैड स्पेशल चार्म। लेकिन जो दादी थी ना उनका नेचर बहुत काइंड था, है ना, बहुत ही पवित्रता से वो भरी हुई थी, बहुत ही शांति भरा जीवन वो जीती थी, तो उनके फेस पर ये जो सारे सिंबल्स थे एक तरीके से उनका अलग ही स्पेशल चार्म था, मतलब लगता था कि दादी बहुत शांत है, शांत स्वभाव की है, बहुत ही अच्छी नेचर की है। तो इन चीज़ों को देख करके ऑथर कहते हैं सो इट कैन बी एस्टिमेटेड दैट शी वॉज ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। तो इन्हीं वजह से जो ऑथर थे वो कहते थे कि वो ब्यूटीफुल थी एंड अट्रैक्टिव थी, बट वो चार्मिंग प्रिटी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं था कभी बहुत सुंदर रही होगी, अच्छी थी, ठीक थी, बढ़िया थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है आपका व्हाट वाज द रूटीन ऑफ ग्रैंड मदर इन विलेज। तो देखो यहाँ पर ग्रैंड मदर का जो विलेज के यानी गांव के अंदर रूटीन था वो पूछा गया है कि दादी माँ किस तरीके से गांव के अंदर रहती थी विद ऑथर, क्योंकि ऑथर बचपन में अपनी दादी के साथ ही गाँव में रहा करते थे। तो यहाँ पर रूटीन पूछा है, आंसर है इन द विलेज द ग्रैंड मदर वुड वेक अप खुशवंत सिंह इन द मॉर्निंग। विलेज में क्या होता था कि ग्रैंड मदर जो थी वो खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह कौन है, राइटर हैं, ऑथर हैं हमारे इस लेसन के, तो उनको वो उठाया करती थी मॉर्निंग में कि बेटा उठ जा स्कूल जाना है, है ना, तो मॉर्निंग में उनको उठाती थी। शी वुड बैथ ड्रेस्ड एंड गिव हिम ब्रेकफेस्ट, और दादी जो हैं उनको नहलाती थी, उनको कपड़े पहनाती थी, तैयार करती थी और उनको ब्रेकफास्ट देती थी। शी वुड अकम्पनी हिम टू टेम्पल स्कूल एंड वुड बी बैक विद हिम, और दादी माँ उनको केवल नहला धुला कर तैयार ही नहीं करती थी, उनके साथ वो स्कूल जाया करती थी उनको छोड़ने वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि स्कूल से अटैच था टेम्पल, तो दादी टेम्पल में तब तक रहती थी और वापस भी ऑथर के साथ ही वो घर आती थी। ऑन दी वे शी वुड फीड द विलेज डॉग्स, और इसके अलावा दादी एक और काम करती थी, जब वो वापस आती थी रास्ते में तो वो जो विलेज यानी गांव के डॉग्स थे ना उनको फीड करती थी, मतलब रात की चपातियां जो रखी रहती थी वो उनको डाल देती थी खाने के लिए। सो इस तरीके से दादी माँ का जो ये रूटीन था वो विलेज में था। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 5। आई होप आपको इतना जो है समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमने कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी दी क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपका लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके लॉन्ग क्वेश्चंस। एंड हाँ, अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहे हो तो प्लीज लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन के यस मैम आई अंडरस्टूड, तो प्लीज मुझे बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड ग्रैंड मदर ऑलवेज अकम्पनी द ऑथर टू हिज स्कूल, हमेशा दादी जो है वो ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी जब वो गांव में रहती थी, क्योंकि शहर आने के बाद उनका स्कूल जाना, उनको छोड़कर आना वो
सब खत्म हो गया था। तो दादी जो है गांव में हमेशा ऑथर के साथ स्कूल क्यों जाती थी? तो देखो देयर वाज अ टेंपल अटैच टू द विलेज स्कूल, तो जो दादी जाया करती थी वो इसलिए जाया करती थी क्योंकि गांव के स्कूल से ही टेंपल अटैच था, मतलब वहीं पर मंदिर भी था, है ना। तो ग्रैंड मदर ऑलवेज अकंपनीड द ऑथर टू हिज स्कूल, तो इसलिए वो हमेशा उनको अकंपनी मतलब साथ जाती थी, उनको अपने साथ लेकर के जाती थी स्कूल को। शी वुड सिट इन द टेंपल एंड रीड द स्क्रिप्चर्स, और वो जब तक ऑथर की क्लासेस वगैरह होती थी तो दादी टेंपल में बैठती थी और अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह वो पढ़ती रहती थी। सो दैट्स इट द क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, ये पूरी पीडीएफ फाइल मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सो आप वहाँ से इसकी पीडीएफ भी ले सकते हैं। एंड इससे प्रीवियस जो चैप्टर मतलब हमने इसकी जो पूरी समरी की है वो नोट्स भी आपको टेलीग्राम पर ही मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 1, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको जो है ये प्रिपेयर करने हैं, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगी जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है द ऑथर व्हेन ही रिटर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो ऑथर क्यों गए थे मतलब अब्रॉड, इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको मैं अभी बताती हूँ आपको। व्हेन द ऑथर वेंट अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज द ग्रैंड मदर वेंट टू द रेलवे स्टेशन टू सी हिम ऑफ, तो दादी ने क्या किया जब ऑथर मतलब हायर स्टडीज के लिए कहाँ गए थे, अब्रॉड गए थे, पढ़ने गए थे बाहर, तो तब दादी ने क्या किया, वो उनको जो है रेलवे स्टेशन में स्टेशन तक सी ऑफ करने आई थी, मतलब वो उनको छोड़ने आई थी। तो क्या हुआ था जब ऑथर वहाँ से बेसिकली वापस आए थे अब्रॉड से, ये क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है। तो दादी उनको छोड़ने गई रेलवे स्टेशन पर जब ऑथर वापस आए अब्रॉड से, द ऑथर थॉट दैट इट वुड बी हिज लास्ट मीटिंग विद हर, तो ऑथर ने सोचा कि आज ये उनकी ग्रैंड मदर के साथ लास्ट मीटिंग है, बिकॉज वो जो है 5 साल के लिए जा रहे थे, तो हो सकता है 5 साल के बाद दादी उनको ना मिलती, तो इसलिए ऑथर ने सोचा कि शायद आज दादी के साथ ये मेरी लास्ट मीटिंग होगी। बट ही वॉज रॉन्ग इन हिज सपोजिशन, लेकिन राइटर ने ये गलत सोचा था, उन्होंने गलत सपोज किया था, बिकॉज जब वो वापस आए तो दादी ठीक थी, जिंदा थी। व्हेन ही रिटर्न्ड आफ्टर 5 ईयर्स शी केम टू द रेलवे स्टेशन टू रिसीव हिम, और जब वो वहां से वापस आए तो दादी जो थी वो उनको रेलवे स्टेशन पर रिसीव करने आई थी। शी सेलिब्रेटेड हिज होम कमिंग इन अ ग्रैंड वे, और दादी केवल रिसीव करने ही नहीं आई, उन्होंने अपने पोते का घर आना बहुत ग्रैंड तरीके से सेलिब्रेट भी किया, बहुत खुश थी वो। इन द इवनिंग शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड सिंगिंग, इवनिंग में दादी ने क्या किया, उन्होंने पास पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया, है ना, इसके अलावा एक पुराना सा ड्रम लेकर के आई और उस ड्रम को बजा बजा के उन्होंने गाना शुरू कर दिया। She went on doing this for several hours and overstrained her. और कई घंटों तक लगातार वो इसी काम को करती रही और उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा तनाव में आ गई और बीमार भी पड़ गई। The next morning क्या हुआ कि वो भैया आपको पता ही, अगर आपने इस लेसन को पढ़ा होगा कि नेक्स्ट मॉर्निंग दादी के साथ क्या हुआ था। नेक्स्ट मॉर्निंग हुआ था शी वॉज टेकन इल एंड शी न्यू दैट हर एंड वॉज नियर, तो नेक्स्ट मॉर्निंग वो बीमार पड़ गई इस वजह से और उनको पता था कि अब जो उनका अंत है वो नज़दीक आ रहा है। बट शी वेंट ऑन प्रेइंग एंड टेलिंग हर बेड्स, लेकिन बावजूद इसके वो लगातार अपनी प्रेयर्स में बिजी रहीं और अपनी माला को वो जपती रहीं लास्ट मोमेंट तक। देन हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड हर रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, लेकिन ऐसे माला जपते जपते उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो लास्टली उनकी जो हाथ में माला थी वो गिर गई और उनकी जो मतलब निर्जीव उंगलियां थी, फिंगर्स थी, वो रुक गई, ठीक है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड शी वॉज डेड, इस तरीके से एक बहुत ही शांति भरा पर्दा उन पर पड़ गया और वो डेड हो गई, तो दैट मीन्स वो यहाँ पर डेड हो चुकी थी, शी वॉज नो मोर। नाउ लेट्स सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि अगेन आपका लॉन्ग क्वेश्चन होने वाला है। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए, अगर आपने ये स्टोरी ऑलरेडी पढ़ रखी है सो प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द ऑथर्स ग्रैंड मदर बाई यूजिंग फॉलोइंग वर्ड्स, यहाँ पर बेसिकली आपको जो है कैरेक्टर स्केच करना है, किसका करना है, ग्रैंड मदर का, ऑथर की जो ग्रैंड मदर है उनके बारे में बताना है। कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं जैसे कि अफेक्शनेट, मतलब वो बहुत ज़्यादा स्नेही थी, बहुत प्रेम करती थी अपने पोते को, है ना, केयरिंग थी, ध्यान रखती थी, काइंड एंड बेनेवोलेंट थी, मतलब इसके अलावा वो दयालु और परोपकारी भी थी, रिलीजियस यानी धार्मिक थी और अ स्ट्रॉन्ग वुमेन थी। तो इस तरीके से आपको ये पॉइंट्स ध्यान में रखते हुए ग्रैंड मदर का कैरेक्टर स्केच करना है। बाय द वे अगर ये पॉइंट्स आपको ना भी मिले एग्जाम में तो कोई बात नहीं, कैरेक्टर स्केच आप इसी तरीके से कर सकते हो। सो लेट्स सी द आंसर। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज एन अफेक्शनेटेड
एंड केयरिंग लेडी, है ना। तो ऑथर की जो ग्रैंड मदर थी वो बहुत ही अफेक्शनेट थी और केयरिंग लेडी थी, मतलब बहुत स्नेह करती थी उनको। शी हैड बाउंडलेस लव फॉर हर ग्रैंडसन, और बहुत ही ज़्यादा प्यार था उनको अपने पोते से। व्हेन दे लिव्ड इन द विलेज शी वुड वेक अप हिम इन द मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। जब वो दोनों गांव में रहा करते थे ना, तो दादी उनको सुबह में मॉर्निंग में उठाया करती थी और उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी अकम्पनीड हिम टू स्कूल, और वो उनको केवल तैयार नहीं करती थी, साथ में जो है छोड़ने भी जाती थी स्कूल में। व्हाइल द ऑथर सैंग अल्फाबेट विद अदर चिल्ड्रन शी सैट इनसाइड द टेम्पल रीडिंग स्क्रिप्चर्स। जब ऑथर जो है दूसरे बच्चों के साथ अल्फाबेट पढ़ते थे, रीड करते थे, तो उस टाइम पर जो है दादी जो टेम्पल में अंदर बैठ जाती थी और अपने स्क्रिप्चर्स वगैरह वो पढ़ती थी। दे वुड वॉक बैक होम आफ्टर द स्कूल, और इस तरीके से स्कूल होने के बाद दादी और पोता साथ साथ स्कूल से घर आया करते थे। द ग्रैंड मदर वॉज काइंड एंड बेनेवोलेंट, मतलब दादी जो थी वो काइंड थी और बेनेवोलेंट यानी बहुत परोपकारी थी, ठीक है। इन द विलेज शी यूज टू फीड डॉग्स, विलेज में वो डॉग्स को फीड करती थी, खाना दिया करती थी, मतलब चपाती वगैरह देती थी उनको। व्हेन शी केम टू द सिटी देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, लेकिन जब वो लोग शहर आ गए, स्पेशली जब दादी माँ शहर आ गई, तो वहाँ पर उनको कोई स्ट्रीट डॉग नहीं दिखते थे, है ना। सो शी टुक टू फीडिंग द स्पैरोज इन द आफ्टरनून, तो डॉग्स की जगह अब उन्होंने देखो किसको रिप्लेस कर दिया, मतलब डॉग्स से किसको उन्होंने फीड करना शुरू कर दिया, स्पैरोज को। तो दोपहर में बैठ के फिर वो स्पैरोज को फीड करती थी, दाना वाना उनको दिया करती थी। चलिए, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे है बच्चों आपका कि शी वुड सिट इन दी वरांडा, है ना। तो वो वरांडा में बैठ जाया करती थी, है ना। पूरा कैरेक्टर स्केच दादी माँ का ही चल रहा है, आप समझ के चलिए, इसको अच्छे से समझिए और इसको प्रिपेयर करिए। तो वरांडा में बैठ जाया करती थी, ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू स्मॉल बिट्स, और इस तरीके से वो जो है ब्रेड को जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया करती थी, मतलब रोटी का टुकड़ा लेती और छोटे छोटे पीस करती उनको और स्पैरोज को फीड करती थी वो। हंड्रेड ऑफ स्पैरोज वुड कलेक्ट राउंड हर, और इस तरीके से सैकड़ों की तादाद में स्पैरोज आ जाती थी और उनके आसपास बैठ जाती थी। सम इवन सैट ऑन हर हेड, और इवन कुछ तो उनके सर पर भी आकर बैठ जाती थी, है ना। शी स्माइल्ड बट नेवर स्कोल्ड देम अवे, तो शूइड देम अवे, वो हमेशा स्माइल करती थी दादी माँ, लेकिन कभी भी उनको भगाती नहीं थी, है ना, उनसे ऐसे नहीं कि परेशान हो जाए। द ग्रैंड मदर वॉज अ रिलीजियस लेडी, जो ग्रैंड मदर थी वो एक धार्मिक लेडी थी। हर लिप्स वर ऑलवेज मूविंग इन साइलेंट प्रेयर, उनके जो थे वो हमेशा साइलेंट प्रेयर्स में चलते रहते थे, वो कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, है ना। हर वन हैंड वॉज ऑलवेज टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, उनका एक हाथ हमेशा माला जपने में रहता था, है ना, वो ऐसे जपती रहती थी। व्हेन शी वॉज इन द विलेज शी वेंट टू द टेम्पल टू रीड स्क्रिप्चर्स, और जब वो गाँव में थी जब तक वो, तो वो टेम्पल जाया करती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी। व्हेन हर एंड वॉज नियर शी ले इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स टिल डेथ स्टोल अपॉन हर, और जब उनका लास्ट टाइम आया ना, तभी भी उन्होंने अपनी प्रेयर्स को नहीं छोड़ा, वो जो है बेड पर थी, प्रेयर कर रही थी, और उसके अलावा जो है मतलब जब तक मौत ने उनको आकर नहीं जकड़ा, तब तक वो माला जपती रही। द ग्रैंड मदर वॉज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, तो ग्रैंड मदर एक स्ट्रॉन्ग वुमेन भी थी। देखो, वो सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पर लेकर के चल रहे हैं, वो स्ट्रॉन्ग थी, रिलीजियस थी, इसके अलावा बेनिवलेंट थी वो, काइंड थी, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख रहे हैं। व्हेन द फ्रेंडशिप बिटवीन हर एंड दी author was snapped and they saw less of each other, she bore all this ungrudgingly. तो जब क्या हुआ, जब राइटर और उनकी फ्रेंडशिप थोड़ी सी मतलब टूट सी जाने लगी, उनका जो बॉन्डिंग था वो कम होने लगा, तो उसके अलावा फिर वो जो है ना बोर फील करने लगी, है ना। इवन व्हेन द ऑथर डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडी शी डिड नॉट शो एनी फीलिंग, इवन जब ऑथर ने ये बोला ना कि मैं अब्रॉड जा रहा हूँ फॉर फर्दर स्टडीज, तभी भी ग्रैंड मदर ने ये चीज़ शो नहीं की कि भाई मुझे बहुत दुख फील हो रहा है, उन्होंने कोई भी अपनी फीलिंग को उनके सामने शो नहीं किया। ये जो है वो पूरा कैरेक्टर स्केच है हमारी ग्रैंड मदर का, मतलब खुशवंत सिंह जी की ग्रैंड मदर का। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी आपके सामने लिखा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। Write details from the lesson that grandmother was a very religious woman. तो आपको बताना है, डिटेल देना है लेसन की, कि जो ग्रैंड मदर थी वो एक रिलीजियस वुमेन थी। इसका आंसर है, Several details in the portrait of a lady give us the impression that grandmother was a very religious woman. तो बहुत सारे ऐसे मतलब इसमें details हैं इस lesson के अंदर, जिससे हमें पता चलता है कि grandmother एक religious lady थी, ठीक है।
इसके अलावा शी ऑलवेज मूव्ड अबाउट इन द हाउस टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी, वो पूरे घर में हमेशा जो है ना ऐसी घूमती रहती थी और अपने हाथ में माला जपती रहती थी, तो उससे पता चलता है दैट शी इज़ वेरी रिलीजियस लेडी। हर लिप्स ऑलवेज मूव्ड इन द साइलेंट प्रेयर, उनके जो होठ थे वो हमेशा साइलेंट प्रेयर में चलते रहते थे। शी रेगुलरली विजिटेड द विलेज टेम्पल एंड रीड स्क्रिप्चर्स, इसके अलावा वो रेगुलर टेम्पल भी जाया करती थी और वहाँ पर स्क्रिप्चर्स वगैरह रीड करती थी। शी वॉन्टेड द चिल्ड्रन शुड बी गिवन रिलीजियस एजुकेशन एट दी स्कूल, और वो ये चाहती थी कि बच्चों को धार्मिक शिक्षा दी जाए स्कूल्स के अंदर, ठीक है। व्हेन शी न्यू दैट हर ग्रैंडसन वाज बीइंग टॉट म्यूजिक साइंस एंड इंग्लिश, ये आपका थोड़ा सा यहाँ पे मतलब स्पेस है, जब उनको पता चला कि उनके ग्रैंड मदर को म्यूजिक सिखाया जा रहा है, जब वो लोग मतलब सिटी में चले गए तो शहर में जाकर उनको पता चला कि अब जिस स्कूल में बच्चा जा रहा है वहां पर वो म्यूजिक सीख रहा है, साइंस एंड इंग्लिश सीख रहा है। शी रिएक्टेड शार्पली एज दीज वर इरिलीजियस, है ना, देखो तो देखो दादी ने अपने अकॉर्डिंग बोला कि ये सब चीज़ें तो इरिलीजियस हैं, ये तो धार्मिकता के विरुद्ध हैं, ये चीज़ें नहीं पढ़ाओ, है ना। अकॉर्डिंग टू हर, उनके हिसाब से उनको ऐसा लगता था कि मतलब इंग्लिश सीखना या मतलब इस तरीके की चीज़ें उनको इरिलीजियस लगती थी। तो बस वो अपनी उसी प्रीवियस लाइफ से ज़्यादा खुश थी। आगे है आपका म्यूजिक एंड अल्यूड एसोसिएशंस, तो म्यूजिक भी उनको अच्छा नहीं लगता था, इस तरीके से एसोसिएटेड चीज़ें उनको पसंद नहीं थी, तो ये उनके अकॉर्डिंग रिलीजियस था सब कुछ। शी वॉज अ गॉड फियरिंग, है ना, उनको भगवान से बहुत डर लगता था, है ना, भगवान को बहुत मानती थी, तो गॉड फियरिंग थी। इन द विलेज शी रेगुलरली फेड डॉग्स, और गाँव में वो रेगुलर डॉग्स को भी खिलाया करती थी, मतलब फीड किया करती थी। इन द सिटी शी फेड स्पैरोज, और अगर हम शहर की बात करें तो शहर में जाकर उन्होंने स्पैरोज को फेड किया, मतलब उनको दाना डाल डाल के खिलाया। व्हेन शी फेल इल शी परहैप्स न्यू दैट हर एंड वाज नियर, जब वो बीमार पड़ गई तो उनको पता था कि उनका जो अंत है वो नज़दीक है। शी स्टॉप टॉकिंग टू एनी मेम्बर ऑफ द फैमिली, और उस सिचुएशन में उन्होंने किसी फैमिली मेम्बर से बात करना भी स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। इन रियलिटी शी डिड नॉट वॉन्ट टू वेस्ट इवन अ सिंगल मोमेंट, एक्चुअल में हम देखें अगर रिलीजियस होने के हिसाब से हम देखें तो ग्रैंड मदर अपने लास्ट मोमेंट पे भी ये नहीं चाहती थी कि वो एक भी मिनट अपना इधर उधर की बातें करके ख़राब करे। वो लास्ट मोमेंट तक क्या करती रही, वो लास्ट मोमेंट तक मतलब अपना धार्मिक चीज़ों में ही लगी रही, तो एक भी मोमेंट उनको मिस नहीं करना था। शी वॉन्टेड टू डाई वाइल प्रेयरिंग, तो वो मरते टाइम भी ये चाहती थी कि वो प्रेयर करती करती ही अपने प्राण त्याग दें। शी ले इन हर बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स टिल डेथ, तो वो शांति से फिर अपने बेड पर लेटी थी, प्रे कर रही थी, है ना, अपनी माला जप रही थी, और जब तक उनकी डेथ नहीं हुई वो कंटिन्यूसली इस काम को करती रहीं। She was indeed a very religious woman and had all the noble qualities of a kind lady. तो इस तरीके से वो एक बहुत ही धार्मिक महिला थी और साथ ही साथ उनके अंदर बहुत सारी noble qualities थी और एक kind lady होने की, मतलब वो एक बहुत दयालु और साथ ही साथ religious lady थी। तो I hope आपको ये सारे question answers अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकॉन को प्रेस करके, एंड हाँ ये चैप्टर अभी तक आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस चैप्टर को आप पढ़ लें तो ज्यादा अच्छा होगा क्योंकि आप उसको फिर बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इस वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। आई होप द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी से आप कनेक्ट कर पाए होंगे, आपको कहीं ना कहीं अपनी ग्रैंड मदर की भी याद आ ही गई होगी इस लेसन को पढ़ने के बाद। तो चलिए फीडबैक अपना कॉमेंट सेक्शन में दे देना, डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की समरी, देन उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सो चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू एंड गुड बाय।